तो दोस्तों चलिए बात करते हैं मोबाइल को प्रॉपर चार्ज करने का प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है ओरिजिनल चार्जर को यूज़ करना, यानी कि जो हमारा मोबाइल है उसको जब हम चार्ज करते हैं तो जो उसके साथ जो चार्जर आया होता है जब हम उस मोबाइल को ख़रीदते हैं तो उस चार्जर को यूज़ करके ही हमें मोबाइल को चार्ज करना है। हम किसी रैंडम चार्जर को यूज़ करके अगर हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जितना एम्पियर में हमारे मोबाइल को चार्ज करना होता है उतना एम्पियर जो दूसरा चार्जर होता है जो रैंडम चार्जर होता है वो उसको नहीं दे पाता है। वो एम्पियर क्या होता है जो ओरिजिनल चार्जर जितना देता है उससे या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है। तो कम या ज़्यादा एम्पियर से चार्ज करने पर क्या होगा, हमारे मोबाइल में कुछ डिफेक्ट होने का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जितने एम्पियर का यूज़ करके हमारे मोबाइल को चार्जिंग के लिए डिज़ाइन किया गया होता है अगर हम उसे डिफरेंट एम्पियर का चार्जर को यूज़ करके अगर अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा मोबाइल में प्रॉब्लम आने का चांसेस रहता है। और वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है हमारे बैटरी के ऊपर, मतलब जो बैटरी है वो उसमें पफिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब बैटरी फूल सकता है और उसका जो बैकअप है वो घटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं दूसरे टिप की तरफ और जानते हैं दूसरा टिप क्या है जो हमें यूज़ करना है अपने मोबाइल को चार्जिंग के दौरान या अपने मोबाइल का लाइफ को बढ़ाने के लिए। दोस्तों जब हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो उस ख़रीदने के टाइम में ही या ख़रीदने के कुछ दिन बाद हम क्या करते हैं अपने मोबाइल के ऊपर में एक कवर लगा देते हैं, मतलब उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। तो कवर क्या करता है, जो हमारा मोबाइल वर्किंग के दौरान हो या मतलब मोबाइल का जो चार्जिंग के दौरान होता है तो उस टाइम में क्या होता है जो मोबाइल से हीट निकलता है, क्योंकि अब कोई भी मशीन है तो वो जब काम करेगा तो उसमें हीटिंग का इशू तो होता ही है। तो चार्जिंग का दौरान क्या होता है हमारा मोबाइल ज़्यादा हीट होने का चांसेस रहता है। और इसके साथ साथ जब हम गेम खेल रहे होते हैं या मतलब मोबाइल का जो हैवी यूज होता है तो मतलब उस टाइम में क्या होता है हमारे मोबाइल में ज़्यादा हीट होने का चांसेस रहता है। तो अगर हमारे मोबाइल के ऊपर में कवर लगा हुआ है तो हीट क्या होगा, मोबाइल से जो हीट बाहर निकलेगा वो मतलब बाहर एनवायरनमेंट में जाने में उसको दिक्कत होगी, तो हीट क्या होगा मोबाइल के सराउंडिंग में ही रोटेट होता रहेगा और जिसके चलते क्या होगा हमारा मोबाइल का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। एक मोबाइल नॉर्मल काम कब कर सकता है, जब हमारे रूम का टेम्परेचर या जो मोबाइल का सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हो। लेकिन हीटिंग कंडीशन के कारण क्या हो सकता है हमारे मोबाइल का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मतलब 50-60 या उससे भी ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। इसके चलते क्या होता है हमारा मोबाइल का जो डिफरेंट पार्ट्स होता है उसमें डैमेज आने का चांसेस रहता है और बैटरी को भी बहुत ज़्यादा गर्म होने पर क्या होता है उसमें मतलब पफिंग का और उसमें मतलब फॉल्ट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है, जब आप मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हैं उस टाइम में आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल का कवर है हो सके तो उसको मतलब रिमूव कर दे, और नहीं हो रहा है तो उसको हाफ निकाल के आप रख सकते हो, जिसके कारण क्या होगा आपका जो मोबाइल है उसका हीट क्या होगा सराउंडिंग में बाहर चला जाएगा और मोबाइल को ज़्यादा हीट का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे मोबाइल का लाइफ और बैटरी का लाइफ ज़्यादा दिन तक चलता रहेगा। तो दोस्तों ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टिप्स जो आप मतलब अपने मोबाइल को चार्जिंग के दौरान यूज़ कर सकते हो और अपने मोबाइल का जो बैटरी है और मोबाइल का जो लाइफ है उसको बढ़ा सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।